गुरु जी राधे राधे जी। राधे राधे। सबसे पहले मैं अपने इष्ट देव अपने गुरुदेव महाराज जी के चरणों में प्रणाम करता हूं एवं उनसे जुड़े हुए जितने भी भक्तगण हैं उनके चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। खुश रहिए। गुरु जी मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहता हूं कि बेटी अभिशाप है या वरदान? वरदान है, अभिशाप कैसे होगी? नहीं, जैसे दो लाइन सुना रहे हैं सर, कहा गया है कितनी गीता कितनी सीता गंगा माँ की गोद में समा गई, कितनी गीता रेल की पटरियों पे सो गई, कौन कुएं में कूद पड़ी, कौन गिरी मीनारों से, कौन करेगी इसकी गिनती रोज रंगे अखबारों से। तो इसके इसमें हम समझना चाहते हैं सर आपसे, बहुत है कि समाज में बेटी जिसके पास है, जैसे हमारे पास पत्नी आई है साथ में, हमारी पत्नी साथ में आई है, तो उनके पास तीन हमारे पास तीन वो बेटी है, वो बहुत परेशान रहती है। हम उसको समझाते हैं, चलिए महाराज जी से कुछ समझ लें। तो बेटा भाग्य से पैदा होता है, जी, सुनो जी, बेटा भाग्य से पैदा होता है जी, और बेटियां सौभाग्य से पैदा होती हैं। सौ मतलब हंड्रेड, हंड्रेड जी, हंड्रेड भाग्य से बेटियां पैदा होती हैं। बताओ सीता जी के भाई का नाम क्या था? आप में से कोई जानता है? माता सीता जी के भाई का नाम क्या था, कोई जानता है? कोई नहीं जानता। क्यों नहीं जानता? क्योंकि सीता के पिता जनक जी का नाम उनके बेटे ने नहीं, उनकी बेटी ने अमर किया है। जनक जी का नाम उनके बेटे ने नहीं बल्कि उनकी बेटी माता सीता ने अमर कर दिया। इतना अमर किया कि युगों युगों तक उनका नाम लोग जनक जी का नाम लेते हैं। जनक जी का नाम अमर उनके बेटे से नहीं हुआ, उनकी बेटी से हुआ। तो जरूरी नहीं है कि बेटे ही नाम अमर करते हैं, बेटियां भी नाम अमर करती हैं। अनसुईया ने अपने माँ बाप का नाम अमर कर दिया। फिर इसलिए आपकी बेटियां हैं तो आप परम सौभाग्यशाली हैं। बेटे के लिए भगवान दे दें आपको तो अच्छी बात है, वरना खुश रहिए। औरों की तो कुछ लोगों की तो बेटियां भी नहीं होती जी। सर दूसरा प्रश्न है मेरा सर, के भागवत प्राप्त करने का मुख्य साधन क्या है? सत्संग। सत्संग, थोड़ा आशीर्वाद दे दीजिए हमारी वाइफ। राधे राधे गुरु जी। जी 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 मैया छोड़ दो, बैठी आगे हो, देख पीछे रही। आपके चरण स्पष्ट गुरु जी। बोलो बोलो, खुश रहिए। मैं तो बहुत भावुक हूँ गुरु जी, मैं अपना शब्द आपके माइक पर नहीं बता सकती हूँ। मैं आपके सहारे, आपके भागवत कथा के सहारे जीती हूँ प्रभु। क्या दिक्कत है, क्या कष्ट है आपको? कोई कष्ट नहीं, भगवान के कृपा से मैं बहुत खुश हूँ प्रभु। लेकिन समाज में रहने के लिए कोई अथी? समाज का क्या है, समाज की परवाह करेंगे तो जी ना पाएंगे। समाज का क्या है, समाज का चरित्र क्या है, जरा समझिएगा। समाज ने क्या माता सीता को छोड़ा कहने से? नहीं गुरु। फिर आपको छोड़ देंगे? नहीं। फिर तो समाज की परवाह क्यों करना? एक बाप बेटा जा रहे थे, आपको मैंने ये कथा शायद सुनाई हो, गधा उनके साथ था। तो गांव के लोगों ने कहा देखो जब गधा साथ में है तो पैदल चलने की क्या जरूरत है। तो दोनों बाप बेटे गधे पे चढ़ गए। दूसरे गांव से निकले तो दूसरे गांव के लोगों ने कहा लो एक गधे पर दो दो गधे चढ़े हैं। तो उनमें से एक उतर गया कि भाई सही है, भाई गधा बच्चा है अभी, हम दो दो ज्यादा वजनी है। एक उतर गया तो बाप उतर गया, बेटा बैठा रहा। तो लोग बोले लो लो कितना घोर कलयुग आ गया, बेटा गधे पे बैठा है, बाप पैदल चल रहा है। तो बाप बैठ गया, बेटा उतर गया। आगे के गांव के लोगों ने कहा राम राम घोर कलयुग आ गया, कैसा निर्दयी बाप है, गधे पे बैठा बेटे को पैदल चला रहा है। तो दोनों उतर गए। अब बताओ वो लोग क्या करें, दोनों थे नीचे तो भी जमाना बोला, दोनों चढ़ गए ऊपर गधे के तो भी जमाना बोला, एक चढ़ा तो भी बोला, एक उतरा तो भी बोला, जमाने का काम क्या हो? अगर गुरु जी पहले मेरे प्रश्न का उत्तर दो, जमाने का काम क्या है? तो दोषी ठहराते हैं। जमाने का काम है केवल बोलना जी। लोग खाए बिना रह सकते हैं, बोले बिना नहीं रह सकते जी गुरु
जी। आप जैसी कितनी बेटियां ऐसी भारत में नहीं दुनिया में है जिनकी केवल बेटियां हैं, बेटा नहीं है। आप उनको भी तो देखिए जिनके पास बेटी और बेटा कुछ भी नहीं है, वो कहते हैं कि हमें एक बेटी ही हो जाए। आपके तीन तीन दिया है फिर भी आप दुखी हैं, जो दिया है उसमें प्रसन्न लोग तो यहाँ तक बोल देते हैं गुरु जी की बेटी है तो क्या, धन है तो क्या, पुत्र नहीं है तो तुम दोषी हो। लो तुम दोषी क्यों हो, बोले तेरे बेटा है तो तूने कौन सा गढ़ जीत लिया, बता दो जरा, बोल दिया करो, पलट के जवाब देना सीखो आप। दोष लगता जहां जरूरत है, दोष लगता है बिना पुत्र का। काय का दोष बताओ तो फिर, मीराबाई के कौन से बेटा था उनसे पूछ लिया करो मूर्खों से, कि मीराबाई को कौन से बेटा था। यशोदा मैया के बेटे का नाम क्या था, यशोदा मैया का भी खुद का जाया बेटा नहीं था, मीराबाई का भी बेटा नहीं था, तो क्या बिना बेटे के गति नहीं होती। समाज में इस अज्ञान का आप लोग इलाज करो, समझाओ इन लोगों को। बोले गुरु जी क्या, मैं तो बचपन से मेरे नाना जी मैं उनको गुरु मानते हैं, लेकिन ये सोचना चाह रहे गुरु जी हम किसी से अभी तक दीक्षा नहीं लिया, इसी आशा में हम यहाँ आए हैं भटक के वृंदावन आपके कथा सुन सुन के। दीक्षा तो ले लो पर आज से मुझे वचन दो कि आज से आप रोएंगे नहीं, इस बात का दुख नहीं रखेंगे कि हमारे पास बेटा नहीं है, बल्कि इस बात की खुशी मनाएंगे कि हमारे घर तीन तीन लक्ष्मियां हैं। जी मैं तो बहुत खुश हूं, जो है उसकी खुशी मनाइए, जो नहीं है उसका दुख मनाने से क्या लाभ। बोले महादेव जी का नाम जपते थे बचपन से, कल जो है हम ठाकुर जी लेंगे लड्डू गोपाल तो उनके सेवा करेंगे, तो नाम महादेव जी का ओम नमः शिवाय जपते हैं। महादेव जी का नाम जपने के कारण ही महादेव ने आपको कृष्ण की भक्ति प्रदान कर दी। जी वही नाम जपते, तो कल से ठाकुर जी की पूजा जो करेंगे तो नाम क्या जपेंगे। जब मंत्र आप लेंगे तो हम मंत्र देंगे, फिर मंत्र जो देंगे उसका आप जाप करना। जी राधे राधे।